नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। चुनाव के दौरान एक बार फिर से बीजेपी द्वारा की जा रही सेना की सियासत पर पूर्व सेना प्रमुख सहित करीब 155 पूर्व सैनिक भड़क गए हैं और उन्होंने मोदी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सेना भी एक अहम चुनावी मुद्दा बन चुकी है। जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालाकोट के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय सेना को मोदी की सेना बता देते हैं। वहीं इन सब के बीच एक खबर है कि एक सैनिक ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद एक रिपोर्ट यह भी है कि करीब 156 पूर्व सैनिकों ने एक शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि नेताओं द्वारा सेना के कार्यों का क्रेडिट लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आज नेता भारतीय सेना को मोदी की सेना बताने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि मीडिया की तस्वीरों में पार्टी कार्यकर्ता आर्मी की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस पत्र को जिन्होंने लिखा है उसमें पूर्व आर्मी प्रमुख दीपक कपूर के अलावा शंकर चौधरी भी शामिल है। इसी के साथ चारों नौसेना प्रमुख जैसे कई पूर्व एयरक्राफ्ट प्रमुख भी इस पत्र को लिखने में शामिल हुए हैं। भाजपा के द्वारा चुनाव में जनता से आर्मी के नाम पर वोट मांगना इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है। अब केवल झूठे वादे और जुमलों से तो वोट नहीं बटोरे जा सकते ना, और इसीलिए बीजेपी आर्मी का उपयोग चुनाव प्रचार में और वोट बटोरने के लिए कर रहा है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए और आर्मी की जो राजनीति हो रही है वोट बटोरने के लिए, इसके खिलाफ आवाज उठाने में हमारी मदद करें। अब तक के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।